इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिर हंगामा। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रोफेसर छात्रों पर लाठियां बरसाते नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज उस वक्त हंगामा होते नजर आया जब एक प्रोफेसर को छात्रों पर लाठियां भांजते देखा गया, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। फिलहाल वीडियो में दिख रहे प्रोफेसर का नाम डॉक्टर राकेश सिंह है, जो कि हिंदी विभाग के प्रोफेसर होने के साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर भी हैं। गोपाल राय की केंद्र सरकार से बड़ी मांग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को आवाजाही की इजाजत देने की भी मांग की। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली सरकार ने सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये तब तक प्रभावी साबित नहीं होंगे जब तक हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश NCR में प्रदूषण के स्रोतों से नहीं निपटते। SC की टिप्पणी के बाद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की देरी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, हम अध्यक्ष द्वारा दिए गए कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को दशहरा अवकाश के दौरान विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कर संशोधित कार्यक्रम देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संशोधित शेड्यूल देने के लिए 30 अक्टूबर की तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास 30 अक्टूबर को आखिरी मौका है। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशियों के बदले रंग। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही हैं। अब चुनाव प्रचार का रंग भी सामने आने लगा है। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्रैक्टर पर बैठकर अपने प्रचार की शुरुआत की। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी माया त्रिवेदी ने घर घर पर दस्तक देकर आशीर्वाद लिया। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। BPSC ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मंगलवार की शाम सिर्फ 11वीं एवं 12वीं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी किए गए हैं। रोल नंबर वाइज जिला आवंटन लिस्ट भी जारी कर दी गई है। सबसे पहले हिंदी विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। 525 उम्मीदवारों को उच्च माध्यमिक विद्यालय के हिंदी विषय के अंतर्गत सफल घोषित किया जाता है। ओसामा शहाब को राजस्थान में मिली जमानत। कोटा के रामगंज मंडी थाने की पुलिस ने बिहार के बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब और उसके दो साथियों को मंगलवार 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया। रामगंज मंडी कोर्ट ने धारा 151 में तो उन्हें छोड़ दिया, लेकिन तत्काल बिहार पुलिस ने कोर्ट परिसर से फिर गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को सोमवार 16 अक्टूबर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लाल किला के पास रामलीला के दौरान हादसा। देश की राजधानी दिल्ली सहित देश भर में दुर्गा पूजा को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जोर पकड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली में भी हर साल की तरह इस बार भी रामलीला का मंचन जारी है, लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान एक पार्क में ढांचा गिरने से 11 वर्षीय बच्चे सहित कम से कम 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह घटना बीती रात 10:40 की है। घटना के समय बारिश हो रही थी। उस समय 15 अगस्त पार्क में अचानक रोशनी रखने वाली एक संरचना ढह गई। मंच की लाइट गिरने से कार्यक्रम के दौरान अफरा तफरी मच गई। नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर कर दी हत्या। दक्षिणी दिल्ली में एक किशोर ने अपनी प्रेमिका को परेशान करने के आरोप में 25 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान भाटी माइंस इलाके के रहने वाले गंगाराम उर्फ संजय के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोमवार को एक अस्पताल से चाकू लगने से घायल एक व्यक्ति के बारे में फोन आया था। वारदात का स्थान मैदान गढ़ी के भाटी माइंस में एक कार मरम्मत की दुकान के पास बताया गया था। आपको आरोपी बनाना BJP का सियासी एजेंडा नहीं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सचिव बांसुरी स्वराज ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के रुख पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाना BJP का सियासी एजेंडा नहीं है। हमारी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि आप में ऊपर से नीचे तक के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं। भ्रष्टाचार से प्राप्त धन का इस्तेमाल पार्टी ने अपनी गतिविधियों के लिए किया।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आएंगे कोटा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार 18 अक्टूबर को कोटा आने वाले हैं। कोटा में वो कई पदाधिकारियों के साथ बैठकर इस संभाग की 17 विधानसभा सीटों को लेकर गहन चर्चा करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये बैठक काफी अहम है। तय कार्यक्रम के अनुसार जेपी नड्डा सुबह 11 बजे कोटा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद यहां से वे सीधे डीसीएम रोड स्थित निजी होटल में जाएंगे, जहां पर झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र के चुनिंदा पदाधिकारियों की अलग अलग बैठक लेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर उठाया अवैध रेत खनन का मुद्दा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना नाम लिए राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। सिद्धू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जो अपना पुराना परिचय भूलकर नए अस्तित्व की खोज में निकले, मार्ग उसे अपना ही लेता है। जो लोग हाल के दिनों में अवैध रेत खनन के सरगना थे, वे मुखबिर बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डकैतों के पास नैतिक अधिकार है? विडम्बना ये है कि जो लोग सिस्टम को बदलने आए थे, वे ही अब सिस्टम की निगरानी कर रहे हैं। सीएम विंडो पर मिली 8000 से ज्यादा शिकायतें। गुरुग्राम में अब अपने हक की आवाज उठाना आसान हो गया है। हरियाणा सरकार ने सीएम विंडो का गठन किया था, जिस पर गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंत्योदय उत्थान की परिकल्पना तभी संभव है जब समाज की अंतिम पंक्ति का व्यक्ति सत्ता के प्रधान सेवक से सीधे संवाद कर अपनी बात रख सके। संकल्प से सिद्धि की इस महत्वपूर्ण यात्रा में नागरिक की संतुष्टि वह प्रमुख कारक है जो इस यात्रा को सही मायनों में परिपूर्ण करता है। हरियाणा में पिछले 9 सालों में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनसेवा की दूरदृष्टिता का परिचायक बनी सीएम विंडो अलग अलग कारणों से नागरिक सेवा केंद्रों से निराश नागरिकों की संतुष्टि का प्रमुख माध्यम बनी है। नरकिसाई में जी रहे हॉस्टल के छात्र। झारखंड के दुमका जिले के कल्याण छात्रावास और आदिवासी महिला छात्रावास की छात्राएं हॉस्टल की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। छात्र छात्राओं को वर्षों से छात्रावास में रसोई और नाइट गार्ड न होने से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से बार बार शिकायत के बावजूद इसका निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। आलम यह है कि छात्र छात्राओं को रात भय के साए में गुजारने के लिए मजबूर हैं, जबकि छात्र पढ़ने के बजाय अपने खाना खाने के लिए खाना भी खुद ही बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता का असर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से 15 अक्टूबर तक 5,449 वॉल राइटिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक संपत्तियों से 3,37,060 और निजी संपत्तियों से 1,63,389 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल 5,51,699 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। 2 खेमे में बटे राजस्थान के किसान। चुनावी रंगत कोटा संभाग में भी जमने लगी है। चौराहे, चाय की दुकान, पान की दुकान और शहर के प्रमुख जगहों पर चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा की पहली लिस्ट आ गई और कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव से हर वर्ग और क्षेत्र जुड़ा रहता है, ऐसे में किसान भी इस बार मतदान में अपनी समस्या और व्यथा को व्यक्त करेगा। कोटा में कई किसानों ने बात की, किसी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया तो किसी ने कांग्रेस सरकार को किसान हितैषी बताया। बूंदी रोड स्थित बड़गांव के किसानों में कई किसान ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। फोन और एप्पल वॉच की मदद से ढूंढा बेटी का शव। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन यह संघर्ष अभी थमता नहीं दिख रहा। ऐसे में मृतकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। इस दौरान हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल में एक आउटडोर म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमला कर 260 लोगों की हत्या कर दी थी। ऐसे में कई लोगों के शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ऐसे में एक इजरायली अमेरिकी महिला के पिता ने कहा कि उसने अपनी बेटी के शव का पता लगाने के लिए एप्पल वॉच और उसके फोन के ट्रैकिंग फीचर का इस्तेमाल किया, जिसके बाद शव की पहचान हो पाई। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार चीन पहुंचे पुतिन।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन में अपने समकक्ष शी जिनपिंग से मिलने के लिए मंगलवार को चीन पहुंचे हैं। चीन इस सप्ताह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के लिए 130 देशों के प्रतिनिधियों को अपने यहां बुला रहा है। चीन ऐसे समारोह के जरिए अपना वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन की निमंत्रण सूची में पुतिन का नाम सबसे ऊपर है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी शासन को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव में डालने के बाद रूसी नेता किसी प्रमुख वैश्विक शक्ति की अपनी पहली यात्रा पर है। गाजा में UNRWA कर्मचारियों ने लगाई गुहार। इसराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। इस युद्ध में दोनों तरफ से हजारों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया इस संघर्ष को रोकने की अपील कर रही है। हालांकि शनिवार को हमास की तरफ से हुए हमले के बाद इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ काम करने वाले 13,000 कर्मचारी लगातार बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हालांकि उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दर्जन भर से अधिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसराइल ने लेबनानी सीमा पर फॉस्फोरस बम बरसाए। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने मंगलवार बताया कि इसराइल ने दक्षिणी लेबनानी सीमा पर फॉस्फोरस बम गिराए और नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। लेबनानी समाचार एजेंसी की जानकारी के मुताबिक इजरायली हवाई हमलों ने सीधे अल दाहिरा शहर पर हमला किया, जिसमें कई नागरिकों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। घायल लोगों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बलों ने लेबनान पर दर्जनों बम भी दागे हैं। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा था कि वह लेबनानी इलाके में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही है। हमास ने इजरायली बंधक का वीडियो किया जारी। फिलिस्तीन के हमास समूह ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बंधक का वीडियो जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके टूटे हुए दाएं हाथ में पट्टी की जा रही है। वीडियो के दूसरे भाग में लड़की ने अपने बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मैं मिया शेम हूँ, मेरी उम्र 21 साल है, मैं गाजा में हूँ। मैं शनिवार की सुबह सदे रोड में एक पार्टी से लौटी थी। मैं अभी गाजा में हूँ। मेरे घायल हाथ का इलाज किया गया और इस दौरान सर्जरी में 3 घंटे का वक्त लगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।